इसका ब्लेसिंग नहीं होता, इट्स अ म्यूचुअल डिसीजन। हमने स्काउट किए, हमें लगा दे आर वर्थ इट नाउ, दे आर टैलेंटेड इन व्हाट दे डू, दे आर लॉयल, दे आर ऑनेस्ट विद देयर वर्क, दे आर ट्रू टू देमसेल्व्स रादर देन बीइंग ट्रू टू अस। तो सारे ही अगर चेकमार्क हो रहे हैं तो वाई नॉट। एंड आई सॉ फ्यू पीपल क्वेश्चनिंग, तो पहले तो मैं HFPP और हेड फ्लिकर को बता देता हूँ कि जितना ओवरवेलमिंग लव मिलता है SATUL के लिए, तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ओवरवेलमिंग नेगेटिविटी भी आती है कुछ जगहों से। उसमें से एक तबका तो हम सबको मालूम है कौन सा है, तो उस तबके को तो इग्नोर करना ही बेटर है। दूसरा तबका है जो जिनकी लाइफ BGMI से आगे निकल ही नहीं पाड़ी, मतलब चाहे वो रेगा का केस हो चाहे वो किसी का भी केस हो, उनके लिए उस एक पर्टिकुलर तबके के लिए BGMI के ऊपर कुछ है ही नहीं, तो वो हमारे इस मूव को नहीं समझ पाएंगे। तब तक 2026 में एंड शुरुआत में 25 सॉरी शुरुआत में GTA 6 लाइन अप हो, सो यू गाइस टेक द फ्रंट लीड एंड उसमें आगे बढ़ो। तो हमारी सोच तो एक साल के बाद की। और रही बात जो क्रिटिक्स है जिनके लिए BGMI की दुनिया ही एक दुनिया है, उनके लिए तो मैं कुछ ज़्यादा शब्द बोलना नहीं चाहता। और जो एक क्रिटिक्स है जिनका अभी खुद का घर नहीं संभल रहा, उनके लिए भी कुछ नहीं बोलना चाहता, उनको तो मैं सिर्फ ऑल द बेस्ट विश करना चाहता हूँ। और यह बात डिसीजंस की, तो यस इट्स अ म्यूचुअल डिसीजन एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ ऑल थ्री बॉयज। एंड इसी के साथ GTA कम्युनिटी में भी ज़रूर मेरे को ऐसा लगता है कि और आंखें पड़ेगी, और जो ब्रांड्स है जो हम देखते हैं टूर्नामेंट्स हो रहे हैं इधर उधर की गेम्स के टूर्नामेंट हो रहे हैं, 10 वॉचिंग 15 वॉचिंग 20 वॉचिंग, आई थिंक हम लोग उससे बहुत बेटर कर पाएंगे। हमारी सोच सिर्फ एक पर्टिकुलर सेगमेंट नहीं रखती, गॉड फॉरबिड, भगवान ना करे वर्स्ट के सिनेरियो कल को गेम फिर से बैन हो जाए, तो यही डिसीजन W मूव हो जाएगा। सो दीज क्लाउंस डोंट, जिनको आज की रेट में नाम के आगे क्लाउन इमोजी लगा के या स्कल इमोजी लगा के लगता है देर कूल, देर नथिंग, देर जस्ट अटेंशन सीकर्स ऑन इंटरनेट।